सालों से लगातार कोशिश की जा रही है। देसी और विदेशी विशेषज्ञ लगे हैं, कई तरह की मशीनें लगाई गई हैं, तमाम उपाय हुए और अब कामयाबी करीब है। कुछ देर में सारे के सारे मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अगर आते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा, तो इसके मुताबिक आप 3-4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। मंगलवार की सुबह ही इस बात का इशारा मिलने वाला था कि आज मंगल खबरें मिलने वाली हैं। विदेश से बुलाए गए विशेषज्ञ आर्नल्ड डिक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे थे और भगवान से दुआएं भी मांग रहे थे। You've got people inside the mountain feeling good. Yeah. You've got me outside the mountain saying I'm feeling good. But I'm saying even a meter is a meter. Okay. And we don't know what comes next, and the mountain has taught us one thing, and that is to be humble. And so I'm just saying, and we're just supposed to be very positive for that. Absolutely. Also, 41 men home safe, no one injured, and then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. मजदूरों के बाहर आने की तैयारी जबरदस्त है। सुरंग के भीतर दवाइयां, दूसरी मेडिकल मदद तैयार, फूल माले का भी इंतजाम है। मजदूरों के परिवार वालों को सुरंग के बाहर बुला लिया गया है। कौन अंदर फंसे हुए थे? भैया से। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। यूपी से? जी सर। यूपी में कहाँ से? सरावस्ती डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको अंदर बुलाया जा रहा है, क्या आप एम्बुलेंस के साथ ही ट्रेवल करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर। हम लोग फैमिली मेम्बर है ना सर? हाँ जी सर। तो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे साथ में आप? बिल्कुल, उनका ट्रीटमेंट करेंगे पहले, तो अगर उनका हेल्थ सही रहेगा तो फिर भी मतलब कि एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाएगा और हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, चेकअप करेंगे उनका। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश में सॉफ्ट मशीन से लेकर ऑगर मशीन तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार रैट माइनर्स की मदद ली गई, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ काम किया, तेजी से काम किया और पारंपरिक तरीके से जो खुदाई का काम होता है वो करते हुए गए, और मजदूरों के लिए अच्छी खबर आई। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है कटर्स के साथ, निकालते रहे, रात भर काम हुआ इसके ऊपर। और टीम्स जो हैं हमारे, रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। मजदूर बाहर आएंगे तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। चिन्यालीसौर में खास अस्पताल तैयार किया गया है, एम्बुलेंस तैयार है, साथ ही मजदूरों को एयरलिफ्ट करने के लिए चिनुक हेलीकॉप्टर्स भी बुलाए गए हैं। मालाएं गई हैं स्वागत के लिए। एनडीआरएफ के कर्मी, हमें जो जानकारी मिल रही है वो कि वो उस पार पहुंच चुके हैं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, वो ये कि जहां मलबा है वहां से आप अंदर नहीं घुसा सकते, आपको पाइप मलबे के कम से कम 2 से 3 मीटर आगे ले जाना होगा, क्योंकि संभव है जो कैविटी बनी है सुरंग के ऊपर वहां से कुछ चीजें लटक रही हों, वो धातु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, वो कहीं नुकसान न पहुंचाए और रेस्क्यू कर्मियों को भी नुकसान न पहुंचाए। जब वो सुरक्षा पूरी होगी इवैक्यूएशन होगा, इवैक्यूएशन में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पहिए लगे हुए हैं, ड्रिल उस मशीन पे, स्ट्रेचर पे फटाफट खींच लिया जाएगा, 65 से 70 सेकंड में हर आदमी बाहर आएगा, मालाओं के साथ स्वागत होगा। युद्ध जीत कर आए हैं ये विजेता हैं, इस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे थे, उन्होंने दिवाली नहीं मनाई, उनके परिवार ने दिवाली छठ नहीं मनाया, तो क्यों ना कहें कि आज उनके लिए दिवाली और छठ से कम भी कोई पर्व नहीं है। उम्मीदें आसमान छू रही है, रेस्क्यू टीम ने अपनी ताकत झोंक दी है, हर कोई दुआ मांग रहा है, बस इंतजार उस वक्त का है जब हमारे मजदूर बाहर आएंगे। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम रिपोर्टर्स के पास आपको लिए चले, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको उसी टनल के सामने जहां पर इस वक्त एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और खबर ये आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत, यानी हम लोग अब इंतजार करते हैं कि अच्छी खबर आने वाली है वहां से। आप देख रहे हैं वहां पर तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 41 मजदूरों को सकुशल निकालना है, इतनी बड़ी मुहिम, इतने बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, और आपने सुना ही जो आर्नल्ड डिक्स है उनको अच्छी खासी इस पूरे मामले में उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अच्छी खबर का इंतजार अब हम कर सकते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर, हलचल हम देख रहे हैं?
मुख्यमंत्री धामी जो है अंजना अभी जस्ट सुरंग से बाहर निकले हैं और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम धामी और जनरल वीके सिंह अपने तमाम अधिकारियों के साथ सुरंग के अंदर गए थे जहां से इवैक होना था और अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां से। क्या वो बात करेंगे मीडिया से, कोई औपचारिक जानकारी देंगे, हमें इंतजार करना होगा क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, उस पार दिखने लगा। और हमें फिर ये भी जानकारी मिली कि चूंकि अब उस पार मुहाना मिल गया है, दूसरा हिस्सा मिल गया है, लेकिन पाइप उसमें पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी और अभी मुख्यमंत्री यहां से निकले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो टीम है वो सब कुछ यहां स्टैंड बाई है, मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस, अंदर एनडीआरएफ के कर्मचारी जो रेस्क्यू करेंगे, एनएचआई, डीएलसी और वो तमाम एजेंसियों के लोग अभी भी सुरंग के भीतर हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले लाइट काफी कम हो गई थी तो हमें लगा ये आखिर क्यों है, लेकिन उसके बाद तुरंत अब लाइट जली और फिर अंदर से काफी ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। जो अभी शोर था मशीनों का वो भी लगभग थम गया है, हमें देखना होगा। हालांकि ये सूत्रों ने बताया था कि 120 मिनट लग सकता है क्योंकि आखिरी हिस्से में दरअसल मलबे के ठीक पास वहां से इवैक नहीं होगा। पाइप जो थी जो स्केप टनल बनाई गई है 800 डाया की, वो दरअसल मलबे से कम 3 से 4 मीटर आगे ले जाना है ताकि इवैक्यूएशन हो सके। जिस समय हम बात कर रहे हैं अंदर जो भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ, जिनका काम है वहां से रेस्क्यू करके निकालना, उनको स्ट्रेचर पर लेकर के आना, वो अंदर है। आपने पहले ही बताया कि अंदर जो है जानकारी दी है कि एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी गई, इतनी कि जब वो बाहर आएंगे, इस समय यकीन मानिए यहाँ इतनी ठंड है और अंदर जब वो मलबे के दूसरी तरफ के हिस्से में थे तापमान 30 डिग्री से ज्यादा था, अचानक आप 10 डिग्री से भी नीचे 6 और 8 डिग्री तापमान में आएंगे, वो एक्सपोजर से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल, हर चीज की व्यवस्था है। उनके परिवार जन भी सुरंग का जो मुहाना है आप देख पा रहे हैं उसे ठीक बगल में, दरअसल अंधेरी की वजह से वहां देखना मुश्किल होगा, वो वहां पर आ चुके हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई कि वहां पर रहें और एम्बुलेंस में ही रवानगी उनकी होगी चिन्याली सौड़ के लिए। अपडेटेड जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि जो चिनुक हेलीकॉप्टर वो यहां पहुंचा है लेकिन अंधेरे में वो उड़ नहीं सकता, तो अब व्यवस्था दरअसल ये है कि चिन्याली सौड़ के हेल्थ केयर सेंटर में उनको वहां रखा जाए और सुबह फिर तड़के उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाने की तैयारी है। दरअसल 2 योजनाएं थी, पहले क्या उन्हें देहरादून ले जाएगा, लेकिन फिर बताया गया कि ऋषिकेश में प्रॉपर उनकी देखभाल होगी। दरअसल शारीरिक चुनौती से ज्यादा मानसिक चुनौती को, जो उनकी मानसिक स्थिति है उसको स्टेबल करना जरूरी है, उसको स्थिर करना जरूरी है, रायशुमारी, परामर्श, बातचीत और उनको स्टेबल करना कि अब सब कुछ ठीक है, वो ट्रॉमा से निकल पाए, उसके बाद ही वो अपने परिवार के साथ वो तमाम खुशियां जी सकेंगे जो पिछले 17 दिनों में उन्होंने मिस किए। इन 17 दिनों में जो कुछ उनके ऊपर बीती है उसको फिर से मानसिक स्थिति को स्थिर भी करना होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी 120 मिनट का इंतजार जो बताया गया था वो चल रहा है क्योंकि आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, इंतजार है उस शुभ समाचार का कि अभी इवैक्यूएशन शुरू हो गया है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं।